क्लास 11th वालों, लॉज ऑफ केमिस्ट्री में लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बचा हुआ था। शुरू करते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। देखो इसमें क्या होता है, पहले एक हम लोग एग्जांपल लेने की कोशिश करेंगे, फिर देखते हैं कि क्या होता है। देखो सपोज मैंने एग्जांपल लिया कार्बन डाइऑक्साइड का, ये मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है। अब सिंपल सी बात है, जितना मैं कह रहा हूँ केवल उतना समझना, बाद में जब लॉ निकल के आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड में हमने क्या करना है कि जो इनके एटॉमिक मास हैं इनका रेशियो निकाल लो। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12:2, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होगा 16, और कितने ऑक्सीजन है 2, तो 16:2 कितना हुआ 12:32, कैंसिल कर दीजिए 3:8, सिंपल हो गया। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कितने टाइप का होता है आप सब जानते हैं, तीन टाइप का कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कौन कौन से? नेचुरल, सिंथेटिक, और तीसरा कौन सा होता है? बर्न्ड कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा मैं आपसे पूछूंगा नेचुरल कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, तब भी आप क्या कहोगे? CO2 होता है ना। मैं आपसे कहूं सिंथेटिक का क्या होगा तो भी CO2 होगा, और कहूं बर्न्ड का क्या होगा तो भी आप क्या कहोगे? CO2 होता है। है क्या कि इस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एलिमेंट्स का मास का रेशियो क्या होगा? जैसे इसमें निकाला वैसे इसमें भी होगा। कितना होगा? 3:8 होगा। इसमें कितना होगा? 3:8 होगा। इसमें कितना होगा? 3:8 होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहे कोई सा भी हो, कोई सा भी कार्बन डाइऑक्साइड हो और वो किसी भी सोर्स का हो, उसके अंदर एलिमेंट का जो मास रेशियो है ना वो कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट कितना है? 3:8। कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड हो, नेचुरल हो, सिंथेटिक हो, बर्न्ड हो, उनके अंदर एलिमेंट का जो मास रेशियो है वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरे पास वाटर है, वाटर है, तो इस वाटर के अंदर अगर एलिमेंट का मास रेशियो निकालेंगे तो कितना होगा? एलिमेंट का मास रेशियो कितना होगा? 1:2:16, दैट इज 1:8। अब ये वाटर चाहे किसका हो? टैप का हो, ये वाटर चाहे बारिश का हो, रिवर का हो, नदी का हो, वेल का हो, या कहीं और का हो, किसी का भी घर का हो। मैं आपसे कहूं कि आपके घर का पानी का फॉर्मूला क्या है तो H2O है, मेरे घर में क्या है तो भी H2O है। इन सब जगह H2O होगा और H2O के एलिमेंट का मास रेशियो क्या होगा? 1:8 होगा। तो अब हम लॉ को बोलने की कोशिश करेंगे। लॉ ये कहता है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट का मास रेशियो कांस्टेंट रहता है, चाहे उस एलिमेंट को किसी भी सोर्स से लिया गया हो। किसी भी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट का मास रेशियो कांस्टेंट रहेगा, चाहे उसका सोर्स कुछ भी हो। आ रही बात समझ में? तो एक बात यहां पे एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जितने टाइप के सोर्स हैं उतने ही टाइप के मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे। ऐसा करते हैं, पहले आप लॉ लिख लीजिए। तो अकॉर्डिंग टू लॉ या अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, द मास ऑफ या द रेशियो ऑफ मास ऑफ एलिमेंट्स, रेशियो ऑफ मास ऑफ एलिमेंट्स इन एनी कंपाउंड रिमेन्स कॉन्स्टेंट वेदर इट इज टेकन फ्रॉम एनी ऑफ द सोर्स। कोई भी कंपाउंड हो, अब देखिए सपोज कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन वो तीन टाइप से है। नेचुरल मेथड अलग होगा, सिंथेटिक मेथड अलग होगा, और बर्न्ड मेथड अलग होगा। तो तीनों मेथड में प्रोडक्शन तो कंपाउंड का सेम हो रहा है, सेम कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन मेथड क्या है? अलग अलग है। तो एक बात ध्यान रखेंगे कि किसी एक कंपाउंड का अगर आप अलग अलग मेथड से प्रोडक्शन कर रहे हो, अगर किसी एक कंपाउंड का
अलग अलग मेथड से प्रोडक्शन कर रहे हो और उसके एलिमेंट का मास रेशियो कांस्टेंट है, तो उसको भी क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसका एक और नाम है लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन, ठीक है ना। तो अब अगला लॉ है हमारे पास एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बहुत आसान लॉ है ये, सिंपल सी बात कहता है, बहुत आसान लॉ है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, जैसे सपोज हमारे पास अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, आपने अमोनिया को जो लिया वो एक लीटर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड का एक लीटर लिया और कार्बन मोनोऑक्साइड को भी एक लीटर लिया, तो इसमें जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे इतने ही नंबर ऑफ मोल्स इसमें भी होंगे और इतने ही नंबर ऑफ मोल्स इसमें भी होंगे। यही एवोगैड्रो ने बोला था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होंगे यहाँ पे, मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इक्वल नंबर ऑफ मोल भी बोल सकते हो, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो यही एवोगैड्रो लॉ हमारे पास था। लॉज ऑफ केमिस्ट्री के मैंने इंपॉर्टेंट लॉज आपको करा दिए हैं जो आपके सिलेबस में है, 11th के सिलेबस में है। अब इसके बाद जो हमारे पास बचेगा वो रेसिप्रोकल लॉ है, वो आपके सिलेबस में तो कुछ जगह है, ICC बोर्ड में तो है, CBSE बोर्ड में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा दूंगा रेसिप्रोकल लॉ।